50 μF capacitor is charged by a 100 volt supply. The supply is then disconnected and the charged capacitor is connected to another uncharged capacitor 3 μF wala. How much is the electrostatic energy the first capacitor is lost in process of attaining steady state situation? You lost nikalenge direct C1 C2 upon C1 plus C2 into V1 minus V2 ka whole square. Half 50 into 50 μF and 3 μF. इतना फर्क तो नहीं होना चाहिए. लेट मी चेक दी वैल्यू. 5 होना चाहिए. 5 μF, 3 μF. यस इट इज 5. 5 है इंटू 3 अपॉन 5 प्लस 3 इंटू 100 माइनस 0 का स्क्वायर. तो यहाँ पे म्यू स्क्वायर होता है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ म्यू कैंसिल. ठीक है ना. ये कितना 15 कितना है 15 बाई 8 और ये 100 स्क्वायर इंटू 10 की पावर माइनस 6. ये कितना 8 टू द अप्रॉक्स ले रहा हूँ 8 टू द 16. 2 भी कैंसिल हो गया. क्या बच रहा 10 पावर 4 इंटू 10 पावर माइनस 6 10 पावर माइनस 2 जूल. सो दैट इज द लॉस. और अगर इसमें कॉमन पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो क्या आएगा C1V अपॉन C1 प्लस C2. फिर से पहले वाला कैपेसिटर चार्ज था 5 इंटू कितने से 100 से अपॉन C1 प्लस C2 कितना है 5 एंड 3 8. सो कितना आ गया 10 पावर. वो तो खैर म्यू दोनों में कट जाएगा. 8 12.5 जा 62.5 वोल्ट. तो देख सकते हैं कि वो पानी बहने की वजह से लेवल कम हो गई. पहले 100 लेवल थी और अब कितनी है 62.5. तो उम्मीद करता हूँ आपको ये शेयरिंग वाले क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे.